अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अख्तर अली है। सऊदी अरब का एक इंटरनेशनल स्कूल है जद्दा के अंदर, इसको टीचर्स की जरूरत है। इंग्लिश, कंप्यूटर, बायोलॉजी, मैथ और भी बहुत सारे टीचर्स की इनकी जरूरत है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हो, जो अकामा होल्डर है, जो रेजिडेंट है, इंटरनेशनल है, गैर मुल्की है लेकिन सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, वो चाहिए। अगर आप भी सऊदी अरब में मौजूद हैं और जॉब के ख्वाह हैं तो आए मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, टीचर कौन कौन से हैं, लिंक कौन सा है, तमाम चीजें मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना देता हूं, अप्लाई किस तरह करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हम सऊदी अरब में जितने भी गल्फ कंट्री है वहां पर जॉब्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जॉब को एक्सप्लोर किस तरह कर रहे हैं कि हम स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, उनकी वेबसाइट पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाफरुल बातनी यूनिवर्सिटी है या दमाम यूनिवर्सिटी है या रियाद यूनिवर्सिटी है या रियाद के अंदर जो स्कूल है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो जॉब्स आती हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। वहां पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और ऑनलाइन इंटरव्यू होता है और ऑनलाइन वीजा मिलता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हम दुनिया भर में स्कॉलरशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर तरह के स्कॉलरशिप को जो फुली फंडेड है, और हर कंट्री के स्कॉलरशिप को जिसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी आते हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम भी आते हैं, मास्टर प्रोग्राम भी आते हैं, तमाम जो स्कॉलरशिप है उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अगर आप सऊदी अरब में बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप हमसे रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा सूटेबल बिजनेस है। आए सऊदी अरब का जो एक स्कूल है उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये जो सऊदी अरब में रहने वाले लोग हैं उनके लिए है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आए आपको दिखाते हैं किस तरह उसको ओपन करना है, क्या लिंक है। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे अल वादी इंटरनेशनल स्कूल है जद्दा के अंदर। ये जद्दा के अंदर है और इसको सऊदी अरब में जो मौजूद लोग हैं वो चाहिए। आ जाए, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, इस पे जाएंगे, ये 2023 to 2024 का है। इसको आप ओपन करेंगे, ये देखें, ये ओपन हो गया। ये इनकी 6 दिन की पहले की पोस्ट है, 6 डेज, क्योंकि 23 से इनका जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है, जो एकेडमिक सेशन है सऊदी अरब में 23 से स्टार्ट हो रहा है। और थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग छुट्टी पे जाते हैं, वापस नहीं आते, कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ वैसे छोड़ जाते हैं, कई लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, तो बहुत बड़ा किंगडम है। तो 100 मिसाइल होते हैं, कुछ लोगों के घर के मिसाइल की वजह से वापस नहीं आ सकते। तो सऊदी अरब जितने भी गल्फ कंट्री हैं, जितने भी इंटरनेशनल स्कूल हैं, इनमें पूरा साल जो है, होल ईयर जो है वो पोजीशन आती रहती है, पोस्ट आती रहती है। किसी की डेथ हो गई, किसी का डिलीवरी केस आ गया, कोई घर चला गया, कोई छोड़ के चला गया, किसी की न्यू अपॉर्चुनिटी आ गई, किसी के फैमिली प्रॉब्लम बन गए। तो मेरा भी 8 साल का ये तजर्बा है कि पूरा साल इनके अंदर हायरिंग होती रहती है, कभी केमिस्ट्री की जरूरत पड़ गई, कभी बायोलॉजी की पड़ गई, कभी मैथ की पड़ गई, तो डिफरेंट सब्जेक्ट इनको जरूरत होते हैं। ये अलवादी स्कूल है, ये देखिए, कह रही है ये 6 दिन पहले की पोस्ट है, इनको सऊदी अरब के अंदर चाहिए। इनको फीमेल स्टाफ भी चाहिए, मेल स्टाफ भी चाहिए। पहले प्राइमरी स्कूल में आ जाते हैं, प्राइमरी स्कूल के लिए इनको मैथमेटिक्स टीचर चाहिए, साइंस टीचर चाहिए और सोशल स्टडी चाहिए। सऊदी अरब की रिक्वायरमेंट ये है कि दो चीजें होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी स्पोकन। अगर आपकी ये दोनों चीजें अच्छी हैं, अगर आपने मास्टर किया होता सब्जेक्ट पे तो वैसे ही आपकी ग्रिप होगी। ये दो चीजें वो ज्यादा करते हैं कि जो कैंडिडेट है वो इम्प्रेस कर रहे हैं, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो आपको इंटरटेन कर ले, बच्चों को इंटरटेन कर ले। तो जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं उनको वो एक एफिशिएंट और फनी टीचर चाहिए होते हैं। इसमें 3 टीचर चाहिए मिडिल स्कूल में, ये सिर्फ फीमेल चाहिए जो प्राइमरी स्कूल के हैं। जो मिडिल स्कूल के हैं वो इनको चाहिए, मेल और फीमेल दोनों चाहिए, मेल और फीमेल। इसमें बायोलॉजी का टीचर भी चाहिए, इंग्लिश टीचर भी चाहिए, अरेबिक के भी और नॉन अरेबिक्स, अरेबिक, अरब्स एंड नॉन अरब्स, यानी अरेबिक टीचर अरब के भी अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी अरब के जो अरेबिक लोग हैं जिनकी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज अरेबिक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो नॉन अरब्स हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह इस्लामिक स्टडी के बहुत सारे लोग हैं। इनको पी टीचर फीमेल चाहिए, आर्ट टीचर फीमेल चाहिए, फिर हाई स्कूल में इनको मेल और फीमेल दोनों चाहिए, मैथ का टीचर चाहिए। तो ये इनकी वेबसाइट है, ये नीचे लिखा हुआ है इन्होंने अपना जो ईमेल है, अप्लाई इधर भी कर सकते हैं और नीचे भी फॉर्म दिया हुआ है। पहले सेकेंडरी स्कूल के टीचर पे आ जाए, हाई स्कूल का टीचर इनको मैथमेटिक्स का चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। जितने भी सऊदी अरब के इंटरनेशनल स्कूल है उनको एक्सपीरियंस क्या कि किसी भी आपको ब्रिटिश करिकुलम, अमेरिकन करिकुलम का टीचर होता है, उनको चाहिए होता है कि जहां पे लोगों की इंग्लिश अच्छी हो या पहले उनका एक्सपीरियंस हो। रेफरेंस लेटर फ्रॉम द सुपरवाइजर इम्प्लाय, आपका जो सुपरवाइजर है या कोई आपका एक्सपीरियंस लेटर है या रेफरेंस लेटर आप बनवा सकते हैं। एप्लीकेंट शुड बी सऊदी अरबिया,
जो जो कैंडिडेट है वो सऊदी अरबिया के अंदर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये सारी डिटेल है, वहां पे सीवी बनाए और सीवी अपनी अच्छी बनाए, प्लीज सीवी अच्छी बनाए। जो सीवी सिलेक्शन होती है 80% सीवी सिलेक्शन आती है, जाए गूगल पे, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं वहां पे सीवी, और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए वहां पे भी आपको सीवी की वीडियो मिल जाएगी। कवर लेटर लगाएं, सीवी लगाएं और अपनी एप्लीकेशन इधर भी सेंड कर दें, और इसके अलावा इस जगह पे भी अप्लाई कर दें लाजमी। और ये स्कूल है, दोबारा आप लोगों को बता देता हूं, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आती है कि हमें पता नहीं चलता। ये देखें, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, ये लिखेंगे, ये देखें इधर गूगल पे जाएं, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, अल वादी। ये देखिए, मैं आपको इधर से बड़ा करके दिखा देता हूं थोड़ा सा, ये देखिए आप, अल वादी इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल, ये नीचे आ गया अल वादी इंटरनेशनल स्कूल जद्दा, जद्दा पे जाना है। ये देखें इधर आ गया, ये फ्रेश जॉब्स हैं, 2023-24 की जॉब्स हैं, और ये सारी डिटेल इनकी अवेलेबल है, सऊदी अरब के अंदर है। और बाय हैंड भी सीवी जमा करें, वन ऑफ द बेस्ट वे है कि बाय हैंड करवाएं। लेकिन अगर आप कहीं दूर सिटी से हैं, सऊदी अरब के अंदर ही हैं, किसी और शहर में हैं, तो आप ईमेल पे भी कर सकते हैं, इनके कॉन्टेक्ट पे भी जा सकते हैं, इनके साथ वैसे भी रब्ता कर सकते हैं। ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, ये देखें आपको इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी, ये देखें इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है, ये रब्ता नंबर भी है। आप इनसे संडे टू थर्सडे 8 AM to 2 PM तक कर सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये सारी चीजें इनके पास मौजूद हैं। ये इनका एड्रेस है, अल वादी इंटरनेशनल स्कूल, अली अल एहसाई अल फैसलिया, फैसलिया जद्दा के अंदर जो मौजूद है, इसके अंदर ये सारा कोड भी दिया हुआ है, सारी चीजें डिटेल अवेलेबल है। ये इनकी लोकेशन भी, आप इधर जाके लोकेशन भी चेक कर सकते हैं और यहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए किया करें, और हमें बताया करें कि ये चीजें, कोई चीज मिसिंग है तो आप हमें बेहतर जो है गाइडेंस भी दे सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, तो जरूर दिया करें। और उन लोगों का मैं थैंक्स करता हूं जिन लोगों ने हमारी वीडियो पसंद की और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, जिन्होंने हमें हौसला दिया। तो इंशाल्लाह ऐसा मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।